दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशन हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाए।